हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशिया लेके आई हूँ फिर एक नया मजेदार टॉपिक। आज आपको जो पढ़ाएंगे वो है विंडो एसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। आज इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देना होता है, वहाँ मैकेनिकल मूवमेंट होती है, तो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैकेनिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारी विंडो एसी में। तो सबसे पहला होता है हमारा कंप्रेशर, आप देख सकते हैं, जो कि कंप्रेशन करने का काम करता है। इसके साथ में ही ये एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। वर्किंग हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे, आज मैं सिर्फ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी आपको। और ये हमारा कंडेंसर होता है, जिसे हीट एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इवेपोरेटर की। ये हमारा इवेपोरेटर होता है, इसे हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी एक्सपेंशन वॉल्व होती है, जिसे कैपिलरी ट्यूब भी कहा जाता है। एक्सपेंशन वॉल्व का यह एक प्रकार है, टाइप है। अब बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि क्या सप्लाई दी जाती है। तो हमारा ये डुअल शाफ्ट मोटर होता है। इसे डुअल शाफ्ट मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही शाफ्ट में हमारे फैन और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लोअर कनेक्टेड होती है। अब ये हमारी पीसीबी है, जिससे कि पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये हमारा कैपेसिटर है, जो कि हमारे कंप्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में देखेंगे तो सेंसर्स होते हैं। एक हमारा होता है रूम एयर सेंसर और एक आता है कॉइल सेंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सारे पार्ट्स की एक पूरी जानकारी, कि कैसे कैसे ये पार्ट्स जो है काम करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और फ्री डेमो क्लास लेकर ले भी सकते हैं आप यहाँ आकर के। तो आप एक बार ज़रूर आए और हमारी फ्री डेमो क्लास लीजिए। और अगर आप बेहतर एक एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो एक बार उत्तम नगर ब्रांच एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में ज़रूर आए। आज के लिए धन्यवाद।